नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। सीधे रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है पूर्व सीएम कल्याण सिंह की मौत की खबर झूठी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री की हालत में लगातार सुधार हो रहा है लेकिन इसी दौरान उनकी मौत की अफवाह उड़ा दी गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, उनकी हालत में इस वक्त सुधार हो रहा है हालांकि वो अभी अस्पताल में भर्ती है। तो आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर निधन की खबर इस वक्त वायरल लगातार हो रही थी, कल देर रात से उनके निधन की खबर वायरल हो रही थी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पूर्व सीएम कल्याण सिंह के परिजनों ने इसकी जानकारी दी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी निधन की खबर, पीएम मोदी कल्याण सिंह से मिलने लखनऊ भी आ सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनके निधन की खबर वायरल हो रही थी, कल देर रात से उनकी ये खबर वायरल हो रही थी लेकिन उनके जो परिजन हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि उनकी हालत में इस वक्त सुधार हो रहा है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कल्याण सिंह। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए मैनेजिंग एडिटर अरविंद चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अरविंद जी, जिस तरीके से ये निधन की खबर कल देर रात से लगातार वायरल हो रही है, हालांकि इसको लेकर के अब परिजनों ने पुष्टि की है कि उनकी हालत अभी स्थिर है और उनकी हालत जो है उसमें सुधार भी लगातार हो रहा है। देखिए, मैं न्यूज ऑन इंडिया की तरफ से ये सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि पीजीआई के जो निदेशक हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है और बातचीत करने के बाद मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कल्याण सिंह स्वस्थ हैं, उनके स्वास्थ्य में तेजी के साथ सुधार हुआ है, पीजीआई निदेशक का ये कहना है। कल के घटनाक्रम के बारे में आपको ये बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ खुद स्वतंत्र देव सिंह, दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उनको देखने गए थे और मैंने रात को जेपी नड्डा का बयान सुना था जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि कल्याण सिंह की स्थिति पहले से बेहतर हो रही है, उनको पीजीआई बेहतर तरीके से उनका इलाज कर रहा है और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जल्दी ही वो एक बार फिर से अपने दैनिक जीवन में वो शामिल हो सकेंगे और हम लोगों को मार्गदर्शन देंगे। तो ये बहुत सारा जो क्रियाकलाप है वो आज कल और आज के बीच में हुआ है। ऐसे में मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से बड़े नेताओं का ट्वीट आया है इसमें, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना कंफर्मेशन के इतनी बड़ी बात कैसे कह सकता है, कैसे ये चीजें आप देखती हैं कि सोशल मीडिया पे अगर कोई भी बातें आपने डाल दी और वो पूरे देश और दुनिया में वायरल हो जाती हैं। आपकी देखी देखा न जाने कितने लोगों को ट्वीट आने शुरू हो गए हैं, बहुत सारे लोग। अरविंद जी, आपको रोकना चाहूंगे, इस वक्त पीजीआई डायरेक्टर आरके विमान जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विमान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। धन्यवाद विमान जी। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उनकी मौत की खबर वायरल इस वक्त लगातार हो रही है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास में? अभी उनकी स्थिति कैसी है, उनकी हालत कैसी है अभी? धन्यवाद। ये आपने बोला, ये बहुत ही अफसोस की बात है और आपत्तिजनक भी है। मैं ये कहना चाहूंगा, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी और जो कि पहले पूर्व राज्यपाल राजस्थान के भी रह चुके हैं, उनकी हालात में निरंतर सुधार हो रहा है जी। कल माननीय जेपी नड्डा जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी भी आए थे, उनसे बात हुई थी जी। और आज की जो सुबह की स्थिति है वो मैं तो कहूंगा कि कल से शेड बेटर ही है, खराब नहीं है और इस तरह की अफवाहें जो हैं बहुत ही निराशाजनक हैं और ऐसी स्थिति कभी भी उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। और कल्याण सिंह जी के हम सोचते हैं कि ऐसे ही सुधार आता रहेगा और बहुत ही अति शीघ्र हमको यहाँ से उनका डिस्चार्ज करेंगे और अपने घर जाएंगे वो जी। धीमान जी, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि उनको डिस्चार्ज कब तक किया जाएगा? ये तो नहीं मैं बता सकता हूँ लेकिन ये बता सकता हूँ, चार दिन पहले जब हमारे आईसीयू में आए थे जी, वो उनको बेहोशी की हालत में थे, मतलब आंखें भी नहीं खोल रहे थे बात करने के लिए। और कल ये स्थिति है कि जब माननीय जेपी नड्डा जी आए और उन्होंने कहा कि आपकी स्थिति के बारे में, आपकी हालत स्वास्थ्य के बारे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पूछ रहे थे और आपको विश कर रहे हैं, तो कल्याण सिंह जी का उत्तर था कि आप सबकी दुआएं हैं कि मैं ठीक हो रहा हूँ। तो इतना अच्छा सुधार हो रहा है, हमें तो पूर्ण आशा है। ये तो नहीं मैं कहूंगा कि कल परसों में डिस्चार्ज होंगे लेकिन हाँ, निरंतर सुधार हो रहा है। एज जरूर उनकी बहुत ज्यादा है तो सुधार थोड़ा धीमी गति से है लेकिन पक्का सुधार हो रहा है और हम आशा करते हैं
पूर्ण सुधार होगा और घर पे जाएंगे। जी दीवान जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वक्त हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर अरविंद चतुर्वेदी जी भी लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए। अरविंद जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? पीजीआई के डायरेक्टर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीवान सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि किन कौन सी समस्याएं कल्याण सिंह जी इसमें फेस कर रहे हैं? सर देखिए, ऐसा है कि आप जानते ही हैं, उनको थोड़ा डायबिटीज भी था, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम थी। जब हमारे पास में आए थे तो थोड़ा ये ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं था, तो इस समय तो बिल्कुल स्वस्थ हैं। जितने भी वाइटल साइंस हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, और थोड़ा सा और जो उनको सेंसोरिया बहुत कम था, जो बात नहीं कर रहे थे, आंखें नहीं खोल रहे थे बताने से, उसका रीजन जो था वो इन्फेक्शन था। इन्फेक्शन उनकी दोनों और इन्फेक्शन की वजह से उनका सेंसोरियम कम हो गया था। जब हमने उनको एंटीबायोटिक्स दिए हैं तो उसके बाद स्वास्थ्य में बिल्कुल निरंतर सुधार हो रहा है। उन्होंने आंखें खोली और उसके बाद बात करने लगे, और कल तो उन्होंने लिक्विड भी जो है मुंह के जरिए लिए थे। सर मतलब ये कहा जाए कि दवाइयों को लेके अब रिस्पॉन्स दे रहे हैं कल्याण सिंह जी? 100%। अच्छा, और किस चीज पे आपका सर फोकस है कि क्या और बेहतर किया जा सके? किसी एक्सपर्ट्स को आप लोग कहीं बाहर से बुलाने के बारे में विचार कर रहे हैं, या पीजीआई खुद सक्षम है, उनके पास इतने सारे एक्सपर्ट हैं हर विधा के? सर बिल्कुल सही है, हमने 9 सदस्यों की टीम बनाई है, और ये जो 9 सदस्य हैं, एक तो क्रिटिकल केयर मेडिसिन है। आप जानते हैं कि क्रिटिकल केयर मेडिसिन जो हमारा डिपार्टमेंट है वो पूरे नेशनल लेवल पे नंबर 1 है। दूसरे जो सदस्य हैं इस टीम के तो वो हैं न्यूरोलॉजी से हैं, और कार्डियोलॉजी से हैं, और रेस्पिरेटरी वाले भी हैं इसमें, और नेफ्रोलॉजी, क्योंकि किडनी भी थोड़ा सा इन्वॉल्व था तो उसके लिए हैं। तो कुल मिला के 9 हैं, एंड ओवरऑल मैनेजमेंट जो है हम देख रहे हैं, और हमारे CMS देख रहे हैं, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट देख रहे हैं। तो हमको नहीं लगता कि बाहर से किसी की लेने की जरूरत है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो हमको लगता है कि शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे। दीमान सर, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि कल्याण सिंह जी को लेके जो एक र्यूमर फैला है, मैं समझता हूँ कि मेडिकल बुलेटिन भी आप लोग समय समय पे जारी कर रहे हैं, तो एक तो ये भी लोग जानना चाहेंगे कि अगला मेडिकल बुलेटिन आप कब जारी करेंगे, और जो लोगों के मन में भ्रम है वो एक तरीके से दूर हो जाए। न्यूज़ वन इंडिया के माध्यम से पूरा देश इसमें आपको देख रहा है सर, सुन रहा है। हमने अभी 10 मिनट पहले न्यूज बुलेटिन जारी कर दिया है, और मैं खुद अभी उनको देखने जा रहा हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि एक और न्यूज बुलेटिन जो है जल्दी से अति शीघ्र कर दिया जाए। 10-15 मिनट पहले हमने मॉर्निंग का न्यूज बुलेटिन जारी कर चुके हैं। चलिए दीवान साहब, हम उम्मीद करेंगे कि कल्याण सिंह जी जल्दी से स्वस्थ हों और फिर से सार्वजनिक जीवन में लौटें, और हम उम्मीद करेंगे कि जो सूचनाएं न्यूज़ ऑन इंडिया ने आपके माध्यम से दी है, अब सबको स्पष्ट हो गया होगा कि कल्याण सिंह जी बेहतर स्थिति में है, ठीक है, दवाइयों को लेकर रिस्पॉन्स दे रहे हैं, और जल्दी ही एक बार फिर से लोगों के बीच में होंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। जी जी, मैं भी ऐसी उम्मीद करता हूँ। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू। तो जिस तरीके से अरविंद चतुर्वेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरविंद जी, जिस तरीके से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बुलेटिन को लेकर के अब उनका मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया जाएगा, हालांकि एक बुलेटिन जारी किया जा चुका है और उनकी स्थिति में लगातार सुधार भी हो रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि न्यूज़ वन इंडिया ने पूरे देश को एक खबर दी कि कल्याण सिंह जी बेहतर स्थिति में है, दावे के साथ खबर दी, और पूरे स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी कि जो टीम बनाई गई है उसके बारे में जानकारी दी, किस तरीके से इस टीम में किन किन लोगों को शामिल किया गया है उसके बारे में जानकारी दी, और आगे आने वाले जो समस्याएं हैं, जिसकी जिन बीमारियों का सामना कल्याण सिंह जी कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। अब मैं समझता हूं कि किसी के मन में ना कोई संदेह होना चाहिए, ना कोई संशय होना चाहिए, और शायद यही हमारी असली पहचान है कि जो देश है, जो दुनिया है, उसको सही खबर से रूबरू कराएं,
यही न्यूज वन इंडिया की पहचान है। मैं समझता हूं कि अब लोग किसी के मन में कोई न शंका है न कोई संदेह है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से ये अफवाह उड़ाई गई उनके निधन को लेकर के, और इस निधन को लेकर कई नेताओं ने ट्वीट भी कर दिए, जिसके बाद में अफवाह और ज्यादा उड़ती गई। हालांकि अभी हमारे खुद बातचीत हुई आर के धीमान जी से, जो कि पीजीआई के डायरेक्टर हैं, उनसे भी बातचीत हुई और उन्होंने खुद कहा कि उनकी हालत में अभी लगातार सुधार हो रहा है। और ये ट्वीट इस वक्त आप देख रहे हैं जो कि स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट किया था उनके निधन को लेकर के, और श्रद्धांजलि भी अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने दे दी थी। लेकिन अब आपको बता दें कि जिस तरीके से ये अफवाह उड़ी, और ऐसे में न्यूज वन इंडिया से खुद आर के धीमान जी जो कि पीजीआई के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बातचीत की और उन्होंने साफ किया कि उनकी हालत अब लगातार बेहतर हो रही है, दवाइयां लगातार असर करती दिख रही हैं। चार दिन पहले बेहोशी की हालत में उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया था, लेकिन अब पिछले चार दिनों से लगातार दवाइयों की वजह से उनकी हालत में सुधार देखा जा रहा है। और अब से कुछ देर पहले एक मेडिकल बुलेटिन जारी किया जा चुका है, और अब थोड़ी देर बाद ही पीजीआई के डायरेक्टर खुद जाकर के उनकी हालत देखेंगे, उनकी स्थिति कैसी है ये देखेंगे, और उसके बाद में एक और मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे, जिस तरीके से कल देर रात से पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के निधन की खबर लगातार वायरल हो रही थी, अफवाहें उड़ रही थी, जिसके बाद में कई नेताओं ने भी ट्वीट के जरिए उनको श्रद्धांजलि दे दी। लेकिन अब न्यूज वन इंडिया इस बात की पुष्टि करता है कि उनका निधन नहीं हुआ है, उनकी हालत बल्कि और अब बेहतर होती जा रही है पहले से। लगातार इस वक्त अस्पताल में वो भर्ती हैं। खुद पीजीआई के डायरेक्टर आर के धीमान जी ने हमसे बातचीत की और उन्होंने कहा कि एकदम उनकी हालत में सुधार लगातार हो रहा है, और धीमे धीमे जैसे ही अच्छा सुधार देखने को मिलेगा उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह इस वक्त हालत उनकी बहुत अच्छी दिखने को मिल रही है, लगातार उनकी हालत में सुधार हो रहा है, हालांकि वो इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। जानकारी मिली है कि वो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से इस वक्त पीड़ित हैं, और दवाइयां लगातार उन पर असर करती नजर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि स्वतंत्र देव सिंह का सोशल मीडिया अकाउंट अफवाह का कारण बनता हुआ दिखाई दिया है। आखिर कौन संभाल रहा है स्वतंत्र देव सिंह का सोशल मीडिया अकाउंट? बिना कंफर्मेशन किए आखिर कैसे एक पूर्व मुख्यमंत्री को मार दिया गया? कैसे थाम दी स्वतंत्र देव सिंह ने उसने उनकी सांसें? स्वतंत्र देव सिंह का सोशल मीडिया अकाउंट अफवाह का एक बड़ा कारण बना है। जिस तरीके से उनका ये ट्वीट सामने आया, ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर उनका सोशल मीडिया अकाउंट कौन संभाल रहा है, और बिना कंफर्मेशन किए आखिर कैसे एक पूर्व मुख्यमंत्री के निधन की खबर को उन्होंने पोस्ट कर दिया, श्रद्धांजलि कर दी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कहीं ना कहीं सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह के जो साथ में जो उनका सोशल मीडिया संभाल रहे हैं उसको लेकर। दरअसल आपको बता दें कि स्वतंत्र देव सिंह ने जब ये ट्वीट किया तो उसके बाद ही कहीं ना कहीं उनके निधन की अफवाह लगातार उड़ गई। कल देर रात ये ट्वीट किया गया जिसके बाद में लगातार अफवाह उड़ी, और अब से कुछ देर पहले आर के धीमान जी से बातचीत हुई जो कि पीजीआई के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, उनका निधन नहीं हुआ है और लगातार उनकी जो हालत है उसमें सुधार देखने को मिल रहा है अस्पताल में। तो सबकी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह के सिर्फ एक ट्वीट से ये पूरी अफवाह फैली है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बिना कंफर्मेशन किए कैसे ये ट्वीट हुआ? हम आपको ट्वीट भी दिखा रहे हैं, और यही वो ट्वीट है जिससे अफवाह फैली थी, और अब इस तरीके की तमाम अफवाहों पर न्यूज वन इंडिया की तरफ से झूठी ये अफवाह साबित हुई है। खुद पीजीआई के डायरेक्टर जो हैं आर के धीमान जी, उनसे बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि चार दिन पहले बेहोशी की हालत में कल्याण सिंह जी को आईसीयू में भर्ती किया गया था, लेकिन उसके बाद में उनकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है, और जैसे जैसे सुधार और अच्छा होगा जल्दी ही उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। और इसी को लेकर के जिस तरीके से ये अफवाह हो रही है, हालांकि समय समय पर अस्पताल की तरफ से भी मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाता रहा है, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर स्वतंत्र देव सिंह का सोशल मीडिया अकाउंट कौन संभाल रहा है, और बिना कंफर्मेशन किए कैसे ये ट्वीट कर दिया गया? ये इस वक्त कहीं ना कहीं सवाल बन रहा है, क्योंकि
जिस जब ये ट्वीट आया उसके बाद से ही कहीं ना कहीं ये अफवाह और ज्यादा फैलती गई। पूर्व मुख्यमंत्री की हालत लगातार सुधार हो रहा है और उसके बावजूद भी उनके निधन की खबर को इस तरीके से श्रद्धांजलि के रूप में ट्वीट कर दिया गया। और जब ये ट्वीट किया गया उसके बाद ही कहीं ना कहीं और भी कई नेताओं ने और कई लोगों ने ट्वीट किए और ये अफवाह लगातार फैलती गई। फिलहाल न्यूज वन इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके निधन की खबर झूठी है और न्यूज वन इंडिया हमेशा लगातार फैक्ट चेक के साथ में जो भी खबर फैलती है, अफवाह उड़ती है, उसको लेकर के पूरे तरीके से पुष्टि की जाती है और सच्चाई आप तक पहुंचाने का काम न्यूज वन इंडिया करता है। और ऐसे में एक बार फिर से न्यूज वन इंडिया ने ये सच्चाई आप तक पहुंचाई और खुद पीजीआई के डायरेक्टर आर के धीमान जी ने न्यूज वन इंडिया पर कहा कि उनकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है, पिछले चार दिनों में काफी सुधार देखने को मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की खबर आखिर क्यों, कैसे, बिना कंफर्मेशन किए ये ट्वीट कर दिया गया? क्योंकि कहीं ना कहीं बिना कंफर्मेशन किए ये ट्वीट किया गया जिसके बाद में ये अफवाह और ज्यादा फैली। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जिस तरीके से ये खबर सामने आई और ये अफवाह लगातार कल देर रात से उड़ रही थी। स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट भी किया, उनको श्रद्धांजलि दे दी अपने ट्वीट के जरिए, जबकि वो अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। उसके बावजूद भी आखिर क्यों इस तरीके की ट्वीट किया गया बिना कंफर्मेशन की, आखिर कैसे ये ट्वीट हुआ, सवाल उठ रहा है जो भी व्यक्ति उनका सोशल मीडिया अकाउंट संभाल रहा है कि बिना कंफर्मेशन की आखिर कैसे एक पूर्व मुख्यमंत्री को मार दिया गया, जबकि वो राज्यपाल भी रह चुके हैं और काफी अच्छी पद पे वो रह चुके हैं, उसके बावजूद इस तरीके के बिना और इस वक्त हमारे साथ में सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी इस फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुराग जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वन इंडिया पर। चलिए अभी उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया, हम एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन जिस तरीके से ये खबर उड़ी, ये अफवाह सामने आई, ऐसे में सवाल लगातार तमाम उठ रहे हैं क्या के तो भाजपा के आखिर उनके सोशल मीडिया अकाउंट से इतनी गैर जिम्मेदाराना पोस्ट कैसे की गई, स्वतंत्र देव सिंह को किसने ये गलत जानकारी दी, नेताजी ने भी बिना जाने ये जानकारी वायरल कर दी, उस पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल्याण सिंह के स्वास्थ्य सुधार को लेकर, वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल देर रात भी कल्याण सिंह से मुलाकात की, और इस वक्त न्यूज ऑन इंडिया के एडिटर इन चीफ अनुराग चड्डा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुराग जी, जिस तरीके से ये खबर कल देर रात वायरल की गई, उसके बाद में स्वतंत्र देव सिंह जो कि एक अच्छी पदवी रखते हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने ये गैर जिम्मेदाराना पोस्ट कर दी, जिसके बाद में ये खबर लगातार वायरल होती गई। देखिए, जो तमाम नेता हैं कृतिका, उनमें भी ना प्रतिस्पर्धा की एक दौड़ सी उनमें लग गई है। कोई भी इंफॉर्मेशन उनके पास आती है तो हर इंफॉर्मेशन को, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसको शेयर करके वो श्रेय कहीं ना कहीं लूटना चाहते हैं। तो यही गलती स्वतंत्र देव सिंह से भी हो गई। आप ये देखिए कि जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कल लखनऊ आते हैं, कल्याण सिंह का हालचाल लेते हैं, डॉक्टरों से बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां रहते हैं और खुद स्वतंत्र देव सिंह वहां रहते हैं। लगातार जो अस्पताल का प्रबंधन तंत्र था, उन्होंने बताया कि किस तरीके से कल्याण सिंह ने फास्ट रिकवरी की है और उसके बाद अचानक कुछ घंटों बाद स्वतंत्र देव का ये ट्वीट आता है और उसमें ये लिखा होता है कि कल्याण, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है और उनकी जो तमाम यादें थी वो स्वतंत्र देव सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट कर दी। हालांकि स्वतंत्र देव सिंह से पहले भी कुछ पोर्टल्स पर ये खबर चली थी, लेकिन इन बार खबरों का खंडन हो चुका था। लेकिन स्वतंत्र देव सिंह के सोशल मीडिया अकाउंट से इतनी भ्रामक इंफॉर्मेशन शेयर हो जाएगी, ये इस बात की उम्मीद नहीं कर सकते थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक आईटी सेल है जो तमाम विपक्षी पार्टियों से मजबूत आईटी सेल है। कोई भी गलत इंफॉर्मेशन उनके आईटी सेल से शेयर हो जाए ये संभव नहीं है।
और जितने भी उत्तर प्रदेश के भाजपा के नेता हैं या विपक्ष के नेता हैं, तो हर व्यक्ति ने अपना अपना जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसको मेंटेन कर ले, की उन्होंने एक बकायदा टीम रखी हुई है जी, और बिना किसी, जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर होती है तो जो संबंधित नेताजी होते हैं तो उनको जब तक वो इंफॉर्मेशन बताई नहीं जाती तब तक शेयर भी नहीं होती। तो जाहिर तौर पर स्वतंत्र देव सिंह से जो भी उनका आईटी प्रबंधन तंत्र है उन्होंने ये इंफॉर्मेशन शेयर की होगी, तब उन्होंने अपने अंदर की जो तमाम कल्याण सिंह के प्रति जो तमाम बातें थी, जो उनके प्रति श्रद्धा थी, वो लैंग्वेज उन्होंने अपने उस व्यक्ति को बताई होगी, जिसकी वजह से ये गलत पोस्ट हो गया। उसके बाद इस गलत पोस्ट होने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मच गया, और जो कल्याण सिंह के जो परिवार के लोग थे वो भी सोच रहे थे कि अचानक ये क्या बात हो गई। उनके करीबियों में एक तरह से दहशत फैल गई कि अभी कुछ देर पहले तो उनके स्वास्थ्य में बेहतर रिकवरी हो रही है, इसकी सूचना आई थी और अचानक से उनकी निधन की खबर आई है। तो कुल मिलाकर एक स्वतंत्र देव सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, जिम्मेदार वो एक नेता है, अगर उनके सोशल मीडिया अकाउंट से इस तरह की इसकी गलती होती है तो निश्चित तौर पर ये बेहद शर्मिंदगी भरी बात है। और आप देखिए, एक ऐसे वक्त पर जब पूरे देश में सोशल मीडिया के खिलाफ तमाम तरह के कानून आए हैं, रविशंकर प्रसाद सोशल मीडिया से जो आर पार की लड़ाई लड़ रहे थे वो इस लड़ाई में निपट गए, और अब नए जो मंत्री आए हैं वैष्णव आईटी मंत्री, उन्होंने भी दो टू कहा है सोशल मीडिया कंपनियों को कि भाई आप जो भ्रामक चीजें परोसते हैं सोशल मीडिया में उनको आप बंद करिए, नए नियम आपको मानने होंगे। नई पॉलिसी सोशल मीडिया वालों को लिए है, लेकिन जो इस तरह के नेताजी हैं जो भ्रामक सूचनाएं शेयर करते हैं, हजारों लाखों फॉलोअर्स इनके सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़े हुए हैं, अगर ये कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो उसके फायदे नुकसान आप समझ सकते हैं कितने होंगे। तो कुल मिलाकर अगर गलत पोस्ट हो भी गया था तो उसके कुछ घंटों बाद स्वतंत्र देव सिंह को चाहिए था कि एक वो सही पोस्ट जारी करें, ताकि जो एक गलत इंफॉर्मेशन उनके अकाउंट से शेयर हो गई है उसको दुरुस्त कर सकें। कृतिका जी, अनुराग जी, लेकिन जिस तरीके से ये ट्वीट सामने आए, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक गैर जिम्मेदाराना हरकत इसे कहा जा सकता है, क्योंकि बिना कंफर्मेशन किए, और वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राज्यपाल के पद पर भी वो रह चुके हैं, उसके बावजूद भी इतनी लापरवाही कहीं ना कहीं नजर आई। निश्चित तौर पर देखिए, सोशल मीडिया एक हथियार के रूप में आजकल जाना जाता है कृतिका। देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही थी कि जो दिल्ली दंगों की जो हुए थे उसमें सोशल मीडिया एक बहुत उसमें जिम्मेदार है, और दोबारा से जो इस तरह के दंगे हैं उनकी पुनरावृत्ति बर्दाश्त नहीं होगी, और तमाम तरह की जो सोशल मीडिया कंपनी है उनकी भूमिका की जांच होगी। और एक ऑर्डर भी पास हुआ था कि विधानसभा समिति के सामने जो सोशल मीडिया कंपनी है उनको पेश होना होगा। तो कुल मिलाकर जो भी सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं, खासतौर पर जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं, देखिए चाहे कोई नेता हो, अभिनेता हो या कोई आइकॉन हो, उनके लाखों करोड़ों उनके फॉलोअर्स होते हैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर, तो उनको तो और ज्यादा संजीदगी से पेश आना चाहिए। कोई भी अगर वो ट्वीट करते हैं, मान लीजिए एक ट्वीट जब या कोई भी वो पोस्ट करते हैं तो उस पोस्ट से लाखों करोड़ों लोग जुड़े होते हैं, उनकी एक इंफॉर्मेशन गदर मचा सकती है। आप देखिए, स्वतंत्र देव सिंह का जो एक पोस्ट था उसने किस तरीके से उत्तर प्रदेश में हालात पैदा कर दिए, तमाम तरह से, चाहे उनके ट्वीट के बाद तमाम जो भाजपा नेता थे नीचे से लेके ऊपर तक के वो हतप्रभ हो गए, और उन्होंने कल्याण सिंह और उनके परिवार वालों को शोक संवेदना देनी शुरू कर दी, और वो नेता जो कि अस्पताल में लगातार अब जो अपनी बीमारी है उसको मात देकर अपनी सांसें वापस जुटाने में लगा है। जी कृतिका जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से ये खबर इस वक्त लगातार वायरल हो रही थी, न्यूज़ वन इंडिया इस खबर को गलत साबित करता है, क्योंकि साथ ही हमारी बातचीत पीजीआई डायरेक्टर आर के धीमान जी से भी हुई, उन्होंने कहा कि मेडिकल बुलेटिन उनका जारी कर दिया गया है और एक और मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा। लेकिन अब इस अफवाह के बाद में सवाल ये उठ रहा है कि स्वतंत्र देव सिंह ने जो ट्वीट किया, अफवाह के बाद ये ट्वीट किया गया और ये अफवाह और ज्यादा फैलती गई, आखिर ऐसे गैर जिम्मेदाराना पोस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ट्विटर से तमाम लोग जुड़े हुए हैं और बिना कंफर्मेशन किए आखिर ऐसे कैसे उन्होंने ये ट्वीट कर दिया गया। कहीं ना कहीं उन्हें कंफर्मेशन जरूर करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के और भी तमाम लोग हैं, आईटी सेल है, उसके अलावा उनके परिजनों से कंफर्मेशन करना चाहिए, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे ये ट्वीट कर दिया, जिसके बाद में इस ये अफवाह और ज्यादा उड़ती गई। हम आपको वो ट्वीट लगातार दिखा रहे हैं
जिस ट्वीट की वजह से ये अफवाह उड़ी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी का निधन हो गया। ये वही ट्वीट है स्वतंत्र देव सिंह का जो किया गया, और इसमें तमाम बातें भी लिखी हुई हैं, और अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने श्रद्धांजलि भी दे दी। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं और लगातार उनकी हालत में सुधार हो रहा है, उसके बावजूद भी इस तरीके का ट्वीट सामने आया, यानी कह सकते हैं कि एक बड़ी लापरवाही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास में सबसे मजबूत सेल, आईटी सेल जिसे कहा जाता है, वो टीम है उनके पास, उसके बावजूद भी इस तरीके की लापरवाही देखने को मिली। अब आप सोच सकते हैं कि स्वतंत्र देव सिंह के ट्विटर अकाउंट से तमाम लोग जुड़े हुए हैं और उसके बावजूद ऐसी ट्वीट किया जाता है, इस तरीके की पोस्ट डाली जाएगी, तो तमाम लोगों के जो है वो अफवाह और ज्यादा आगे बढ़ती जाती है। ये गैर जिम्मेदाराना ट्वीट इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह का, जिसकी वजह से एक ट्वीट उनका, जिसकी वजह से ये पूरी अफवाह उड़ी और न्यूज वन इंडिया इस खबर को झूठा साबित करता है। खुद पीजीआई के डायरेक्टर आर के धीमान जी ने न्यूज वन इंडिया से बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है। हालांकि 4 दिन पहले बेहोशी की हालत में उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया था, लेकिन उसके बाद में उनकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है और दवाइयां कहीं ना कहीं असर करती नजर आ रही हैं। 2-4 दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ भी कल्याण सिंह जी से मुलाकात करने के लिए गए थे। जेपी नड्डा भी अभी हाल ही में उनसे मुलाकात करके आए हैं और अब जानकारी ये भी मिल रही है कि जल्दी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे मुलाकात करने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए अस्पताल जा सकते हैं, लखनऊ जा सकते हैं, जहां एक तरफ जो नेता है वो उनसे मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्वतंत्र देव सिंह के एक ट्वीट की वजह से ये पूरी अफवाह उड़ गई कि उनका निधन हो गया है।